आजादी आपको पूरा विश्व महान से आजाद के नाम से जान रहा है। आप अपने प्रत्येक गांव आए और आपके इस गांव जहां आपकी जन्मभूमि है वहां एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जो आपके नाम से हो रहा है। उस टूर्नामेंट के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। पूरा विश्व धर्म विज्ञान और खेल पर आधारित है, विशेषकर भारत, चाहे योग हो, चाहे मल्लखम्ब हो, चाहे कुश्ती हो, यार कितनी परंपराएं हैं। और सर आज की तारीख में जितने भी लोग बच्चे हैं खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी क्रिकेट की तरफ प्रायोरिटी ज्यादा है, उसका ग्लैमर ज्यादा है और हर जगह चौतरफा उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं प्रसन्न हूँ हमारी खेल समिति महर्षि आजाद जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो, प्लस आजाद स्पोर्ट्स क्लब है वो, ये लोग मिलजुल के जो काम कर रहे हैं ग्रामीण प्रतिभा को उठा के राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर वाले कोशिश कर रहे हैं, उसने दिन रात मेहनत कर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। मुझे भी उसका मौका मिला इसमें सहभागी होने का, अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी धर्म के विषय को लेकर मैं दुनिया कोने को जा चुका हूँ। हम ब्रह्मास्त्र का उद्घोष दुनिया के हर बड़े शहरों में कर चुका हूँ। संस्कृत को लेकर हर महत्वपूर्ण जगह उसको प्रचार प्रसार कर, इसकी वजह से हम ब्रह्मास्त्र का उद्घोष बन गया, संस्कृत पर लोगों की बिल्कुल सारी जागरूकता बढ़ी। अब खेल पर भी मौका मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ईश्वर करे कि सारे बच्चे यहाँ निकले, आगे जाए, अपने आप पांव पे खड़ा करें, कमर्शियल स्ट्रांग हो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सके। आजादी, आपने विश्व स्तर पर मैदान देखे हैं, आप जब मैदान में गए, मेरी मैदान में कैसा महसूस हुआ आपको, मैदान कैसा लगा ग्रामीण अंचल के नाते? बहुत अच्छा मैदान है, उसमें लगातार कार्यक्रम भी हो रहे हैं, हम लोग खेल भी रहे हैं। पिछला कार्यक्रम दो साल पहले जो कार्यक्रम हुआ था कोरोना के पहले आखिरी वाला, और बेहतरीन बेहतरीन था, लाखों लोग उसमें आते हैं और लोग उसमें प्रतिसाद देते हैं, बच्चों का उसमें हौसला बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। यानी बच्चों का हौसला कैसे बढ़े, उनकी ताकत कैसे बढ़े, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, खेल की प्रतिभा खेल में कितने तेज परिवर्तित कर सके, वो सब उस ग्राउंड के देन है। तो महर्षि आजाद स्टेडियम जो अपने आप में एक यूनिक रोल अदा कर रहा है तो अपने खेल समिति के सहयोग से, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि ये ग्राउंड आने वाले कल में भारत के महत्वपूर्ण ग्राउंडों में से एक होगा। मेरी मैदान में क्या क्रिकेट ही खेल होगा, कुछ और खेल आप कराएंगे जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, तमाम खेल है, हॉकी है, तो अभी तो आप क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, आगे क्या आपका? क्रिकेट को लेके क्रिकेट कमर्शियल भी गेम है जिसके अंदर लोगों को दो पैसे मिलने की उम्मीद भी होती है, प्लस उनकी प्रतिभा को दुनिया के हर कोने कोने ले जाने का मौका उनको मिलता है। ऐसे कई खेल हैं जो अपने भारत की पुरातनी खेल है लेकिन उनका उसका प्रचार प्रसार नहीं है, चाहे कबड्डी भी हो गया, मल्लखम्ब भी हो, ऐसी कई चीज है। तो फिर भी हम लोग सपोर्टिव कबड्डी को लेकर चलने की हमारी प्रायोरिटी हम लोग की, उम्मीद करते हैं कि जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे ऐसे हम खेलों को जोड़ते चले जाएंगे, एथलेटिक्स के अंदर हो सकता है, फुटबॉल हॉकी को भी लेके चलेंगे, ऐसी उम्मीद हमारी प्रायोरिटी फिलहाल शुरुआती दौर में क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात आजादी जो आपने हमें समय दिया।